प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र दिन बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पड़ोसी देश नेपाल पहुंचे, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी लुम्बिनी के महामाया देवी मंदिर भी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि महामाया देवी मंदिर को भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महामाया मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। मंदिर परिसर का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी ने लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेपाल की दोस्ती सभी के हित में है। पीएम ने कहा कि भारत में बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये हमारी साझी विरासत के सबूत हैं। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। वहीं नेपाल के दौरे से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल यानी कि जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहां पहुंचकर पीएम ने भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, साथ ही पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया। बता दें कि पीएम के कुशीनगर आने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिला। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं में भी प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर खासा उत्साह देखने को नजर आया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कुशीनगर में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। बीते 2 सालों से कोरोना काल के चलते यहां पर्यटकों का आना कम हो गया था, लेकिन पीएम के कुशीनगर में आने से अब उम्मीद है कि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।